वीर बहादुर सिंह फाउंडेशन के तत्वावधान में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भीषण ठंड एवं शीतलहर के प्रकोप को देखते हुए जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में मरीज एवं लावारिस लोगों को कंबल वितरण किया गया, जिसके संबंध में वीर बहादुर सिंह फाउंडेशन के अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक के उप सभापति जितेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि वीर बहादुर फाउंडेशन संस्था द्वारा हर वर्ष ठंड में गरीबों एवं मरीजों के बीच कंबल वितरण किया जाता है तथा इसके साथ साथ मरीजों की देखभाल कर रहे परिवार के लोगों को भी कंबल वितरण किया जाता है। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा इस ठंड के प्रकोप में कंबल वितरण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, लेकिन इस कार्य में सामाजिक संस्थाओं एवं व्यापारियों को भी आगे आकर गरीबों मरीजों की मदद करनी चाहिए, जिससे इस भीषण ठंड और शीतलहर से राहत मिल सके। इस अवसर पर सैयद अल्ताफ हुसैन, समीर राय, धीरेन्द्र प्रताप सिंह, जयराम सिंह, आदित्य कुमार, अतुल सिंह, अरुण सिंह, धर्मेंद्र सिंह, अरविंद सिंह सहित अधिक संख्या में लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए वीर बहादुर सिंह फाउंडेशन के अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक के उप सभापति जितेंद्र बहादुर सिंह ने कहा, बाकी लोग थोड़ा सा बाहर हो जाए, प्लीज बाहर हो जाए, एक आदमी प्लीज बाहर हो जाए, रहने दो सब। ऐसे सब ज्यादा जी सर, वो के लोग आना काफी जी आठ देखने के दौरान हमसे हो जा रहे हैं। इसलिए सर का बहादुर सिंह फाउंडेशन की तरफ से मैं जितेंद्र बहादुर सिंह, ठीक है ना, ये आप भैया आपके लिए बाबा, ये आपके लिए है, ये तो अस्पताल वाला है ना, ये अब आपके लिए, ठीक है। ये कंबल सरकार वाला है, ये आपके लिए है, ये घर ले जाइएगा, ठीक है। अरे मैम उधर से जाइए मैम, ये कंबल आपके लिए, ठीक है ना, ये आपके लिए, ठीक है। वीर बहादुर सिंह फाउंडेशन की तरफ से मैं जितेंद्र बहादुर, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री साहब जो थे उनके उनके छोटे भाई हैं जितेंद्र बहादुर सिंह, ये कंबल आपके लिए है, ये तो घर ले जाएंगे आप, अस्पताल का ही आपके लिए, बहादुर सिंह जी फाउंडेशन की तरफ से है और ये आपके लिए है, ठीक है, ये कंबल तो अस्पताल का ही आपके, ठीक है। मैं जितेंद्र एकदम घर ले जाता हूँ, ठीक है, ये अस्पताल का है लेकिन ये आप घर ले जाइएगा, ठीक है ना, और जल्दी स्वस्थ होइए। अरे आशीर्वाद है सर, आज माननीय उनका नाम बोलते जल्दी समझ जाएगा। मैं जितेंद्र बहादुर से, ये आपके लिए है, ये आपके लिए घर जाइएगा, यहाँ नहीं जाएगा। कहाँ गई? हाँ सर मैं यहीं हूँ, आपके लिए है, घर ले जाइए, ठीक है, बहादुर सिंह फाउंडेशन, ठीक है। आप दे दीजिए, इनका है फाउंडेशन की तरफ, आपके लिए घर ले जाने के लिए हाँ लेके जा रहे हैं, ठीक है ना। बाबू थोड़ा जगह हटो, बोला नहीं जाता आपका, प्लीज हटिए थोड़ा, प्लीज हटिए। अच्छा वीर बहादुर सिंह फाउंडेशन की तरफ से है, इसको घर ले जाइएगा, ठीक है ना। अच्छा हमारे पूर्व मंत्री साहब जो, ठीक है, इनके साथ कोई, हाँ इस पे कोई, इनके साथ कौन है? आओ सर, इसके साथ कौन था सर? देखिए इधर ही देखिए सर, पूरा बेड भरा, इस पे कौन है? माता जी है, ये कंबल सिंह, अरे भैया दे दो मिनट के लिए, की तरफ से, ठीक है ना, हमने मुख्यमंत्री घर ले जाएंगे ना, नहीं के घर से आई भाई फाउंडेशन की तरफ से, देखिए सर समझ जाएंगे, एक बस ठीक है भाई, उनको दे दिया सबको, दे दिया सबको, दे रहा सर उसको, पता है ये तुम्हारे लिए है बेटा, वीर बहादुर सिंह जो मुख्यमंत्री सर, सर एक बात बोलना चाहते हैं, देखिए हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी वीर बहादुर सिंह फाउंडेशन की तरफ से हम लोग खासकर जाड़े के मौसम में हम लोग कंबल वितरण करते हैं, और मैं
सरकार तो अपने प्रयास कर ही रही है कि आम जनमानस तक ठंड से राहत दी जाए कंबल वितरण करके, लेकिन मैं चाहूँगा कि और भी जो प्राइवेट संस्थाएं हैं वो भी आगे बढ़ के आएँ और आम जनमानस के अपने प्रयासों से उनके दुख का निवारण के लिए कुछ कंबल वितरण अवश्य करें। धन्यवाद। उद्देश्य यही है, हर वर्ष के भांति हम लोग करते हैं जनसेवा के कार्यों में, हमारी संस्थाएं जो है काम कर रही हैं और आगे भी करेंगी। क्या अपील करना चाहेंगे बाकी लोगों को, हम समझ रहे हैं? जैसे मैंने कहा ना कि मैं चाहूँगा कि सरकारी संस्थाएं तो अपना काम कर ही रही हैं, कंबल वितरण कर रही हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि जो प्राइवेट संस्थाएं हैं, फाउंडेशंस हैं, वो भी आएँ आम जनमानस की सेवा में, रेस्क्यू में, क्योंकि इस वक्त ठंड जो है पूर्वांचल में अपना कहर ढाया हुआ है और उसके निवारण के लिए हम सबको मानवता के लिए बाहर खुल के आना चाहिए और आम जनमानस की सेवा में लग जाना चाहिए। धन्यवाद।